दोस्तों, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम बात करने वाले हैं और काफ़ी सारी लेटेस्ट न्यूज आ रही है। तो जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको लेकर दोस्तों काफ़ी सारे एसोसिएशन, न्यूज चैनल NDTV और ABP न्यूज, अनुभव मैम, मतलब कि काफ़ी सारे यूट्यूबर और काफ़ी सारे लोग के तहत यही कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये काफ़ी गलत फैसला है, ये रॉन्ग डिसीजन है। तो दोस्तों, इन्हीं सब फैसलों को लेकर अभी कुछ अपडेट आ रही है, तो आगे हम कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और जो न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि गलत डिसीजन है और इसको लेकर दोस्तों काफ़ी डिबेट भी हुई थी, वीडियो भी आई थी, NDTV की तरफ से वीडियो भी आई थी, तो आप देख सकते हो। तो फाइनल ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो कंप्लीट वॉच करें। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से दोस्तों एक रिपोर्ट लिखा गया है जो ISAC की ऑफिशियली पेज है। ये दोस्तों एक मतलब कि एसोसिएशन चलाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट के हित में, इन्होंने काफ़ी सारे मतलब कि ट्वीट करे थे, काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो दोस्तों, जैसे कि NEET JEE के एग्जाम को लेकर दोस्तों फैसला हुआ था उसमें दोस्तों काफ़ी रॉन्ग डिसीजन था, तो इसको लेकर दोस्तों उन्होंने रिपोर्ट लेटर लिखा है और दोस्तों इसके साथ मतलब कि और काफ़ी सारे एसोसिएशन भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ CM है, तो ये मतलब कि बात है। इन्होंने दोस्तों HRD मिनिस्टर और PM को डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि ये जो फैसला है काफ़ी गलत है, इसको लेकर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं और कंपार्टमेंट के जो छात्र हैं आप सब भी बहुत परेशान हैं, मैं समझ सकता हूं। तो दोस्तों, फाइनली दो CM जो है उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया है, असम और केरला के जो CM, उन्होंने भी कहा है कि ये फैसला बहुत ही गलत है। और सेकेंड दोस्तों न्यूज इसी से रिलेटेड है कि गुड़गांव पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी दोस्तों PM को और HRD मिनिस्टर जी को ये लेटर लिखा है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो दोस्तों, एक न्यूज़ ये भी है कि जो रवीश कुमार जी हैं उन्होंने दोस्तों आधे घंटे की वीडियो न्यूज है, उनकी एक न्यूज है, उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा है कि जो सरकार का जो फैसला है, सरकार इसका फैसला रॉन्ग डिसीजन है और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी कैंसिल होने चाहिए और NEET JEE के जो को लेकर जो फैसला हुआ है वो रॉन्ग है, तो सरकार का डिसीजन बहुत गलत है और इसको लेकर उन्होंने दोस्तों ये काफ़ी सारी बातें कही थी। आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर और दोस्तों एक मतलब कि डिबेट भी हुई थी, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, तो वो डिबेट हुई थी, आप सर्च करके ये डिबेट भी देख सकते हो, इसमें अनुभव मैम भी शामिल थी। तो इसमें दोस्तों कहा गया था कि 300 से 400 किलोमीटर दूर से जो बच्चे ट्रेवल करके आते हैं वो NEET JEE के एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो 2-3% जो छात्र ऐसे कुछ होंगे, तो मैं कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा दोस्तों वीडियो आई है और मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो देखनी है कि नहीं। तो दोस्तों, मतलब कि काफ़ी सारी खबरें यही निकल कर आ रही है कि ये फैसला काफ़ी गलत है और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू COVID-19 ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर कोरोना केसेस के होने ज़्यादा चांसेस है और उसको कोरोना पॉजिटिव होने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि दोस्तों BEd के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें काफ़ी सारे छात्र हैं वो हो चुके थे। तो दोस्तों, BEd के और KCET के एग्ज़ाम को लेकर निधि मैम, अनुभव मैम और काफ़ी सारे लॉयर और ये बात दोस्तों NDTV में भी उठाई गई थी और ये बात दोस्तों न्यूज एंकर ने भी, ABP न्यूज है, उन्होंने दोस्तों ये बात उठाई थी कि COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए एग्ज़ाम लेना अभी सही नहीं है। और दोस्तों, फाइनली मेरी एक रिक्वेस्ट ये है सीधा मतलब कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अपनी सरकार से, कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाखों स्टूडेंट जब दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट इतने सारे परेशान हैं, कितने सारे एसोसिएशन, कितने सारे लॉयर, कितने सारे बड़े बड़े लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए और एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब आप सब जानते हो कि COVID-19 के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि 65,000 तकरीबन हर दिन आ रहे हैं और 25,00,000 का आंकड़ा पहुँच चुका है, तो आप एग्ज़ाम कैसे ले सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एग्ज़ाम लेना जरूरी है, उनके एक साल ख़राब ना हो, ये तो मान सकता हूँ कि NEET JEE एग्ज़ाम ले सकते हो लेकिन पोस्टपोन तो कर सकते हो, और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तो आपने पहले मेन एग्ज़ाम तो आपने पहले कैंसिल कर दिए और अब कह रहे हो कि हमारे टर्मिनल एग्ज़ाम है, ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, हमारे लॉ के खिलाफ है, तो काफ़ी सारे सवाल है इसको लेकर। तो कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों दो खबर ये थी और दोस्तों कुछ छोटी छोटी न्यूज है कि जो KCET के एग्ज़ाम थे वो 20 तारीख को होंगे और जो BU के एग्ज़ाम हुआ तो 44% दोस्तों स्टूडेंट APR हुए थे। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ थी जो दो न्यूज़ मैंने दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। और दोस्तों जो कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो दोस्तों हमारे जो PL फाइल दर्ज हुई थी 809 स्टूडेंट के द्वारा, उसको लेकर दोस्तों अभी फैसला यही कहा जा रहा है कि उसकी सुनवाई एक वीक के अंदर आपको कन्फर्म पता चल जाएगी। और एक खबर निकल कर ये आ रही है उससे रिलेटेड कि 20 अगस्त को आपकी सुनवाई का फैसला हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों, एक मतलब कि आज का जो फैसला है UGC का, ये हमारे फैसले पर बहुत डिपेंड करता है, बहुत मैटर करता है। और
और दोस्तों एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीदें हैं कि हमारा जो PL फाइल दर्ज हुआ उसको भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है, और आज का जो फैसला है इस पर डिपेंड हो सकता है। तो आपसे बस भाई होने के नाते एक निवेदन ये है कि आज का जो फैसला होगा आप आज थोड़ा और रुक जाइए, और ठीक है फिर आप स्टडी तो शुरुआत से करते आ रहे हो, आपको खुद पर निर्भर रहना है, ठीक है डिपेंड रहना है, तो आप अपनी स्टडी साथ साथ करते रहिए। और दोस्तों एक मतलब कि एक स्टूडेंट ने दोस्तों सुसाइड कर लिया है, मुझे बहुत बात को लेकर दुख हुआ कि अंशुमन है दोस्तों, जैसे NEET JEE के जो एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जो कल आया था उसमें एक स्टूडेंट ने दोस्तों अपने सुसाइड कर ली। तो भाई प्लीज़ आप सबसे निवेदन है भाई प्लीज़ आप ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाना, ठीक है एग्ज़ाम आपके लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, आप इसको लेकर समझ सकते हो कि मैं आपको एक लाइन में मोटिवेट नहीं कर सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर आप घर में बैठते हो, अगर आप घर में TV देखते हो, फ़ोन चलाते हो, कुछ भी करते हो, दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, अगर आपकी जो लाइफ है आप घर में खूब मज़े करते हो ना, तो आपके पेरेंट्स की बदलते हैं। आपके पेरेंट्स जब बाहर जॉब करने जाते हैं, जब आपके पापा मजदूरी करने काम पर जाते हैं ना, तो उनकी एक उम्मीद होती है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी में गुजार दी, मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करेगा, तो उनकी उम्मीदें दोस्तों आप पर होती है, आपके पास आपके सारे घर की जिम्मेदारी होती है, आपकी सिस्टर की जिम्मेदारी आप पे होती है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आप पे होती है, आप एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट हो, तो एक एग्ज़ाम आपको डिसाइड कैसे कर सकता है आपकी फ्यूचर, आपका पैसन, आपकी मेहनत, आपका गोल, ये सारे चीज़ें दोस्तों मेहनत करती है, आपकी नॉलेज। तो भाई एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे इस पर ज़्यादा फोकस ना करो, अपनी पढ़ाई करो, प्लीज़ आप ऐसा कदम नहीं उठाना, सुसाइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई होने के नाते कहता हूँ कि आप इतने टेंशन में मत रहना, ठीक है आप अपनी पढ़ाई करो, और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा, तो ज़्यादा दिल पे बात मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।